हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के दिन के साथ एक नए व्लॉग की शुरुआत। अभी सारा काम हो गया है हमारा, अभी हम कर रहे हैं नाश्ता। तो चलो शुरू करते हैं व्लॉग और नाश्ता भी। तो आगे व्लॉग में देखते रहना। आजकल बहुत काम हो रहा है दिवाली के, उससे तो काम में लगे पड़े हैं हम भी। तो चलो नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो ये कर रहे हैं मम्मी नाश्ता। आज हमने बनाई है हरी सब्जी और सिमई। तो हम खा लेते हैं नाश्ता। ये मम्मी खा रहे हैं तो मैं भी खाती हूँ। चलो आओ खा जाओ, रे नाश्ता करो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं मंदिर में ऐपड़ बना रही हूँ, ये देखो। और उधर साइड एक देली में तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो अभी मैं मंदिर का बना रही हूँ। वाली देली अभी आपको दिखाऊँगी थोड़ी देर में, तो यहाँ पर बनाती हूँ मैं अभी। तो चलो बनाते हैं दोस्तों। खाना तो हमारा सुबह हो ही गया था, तो अभी आज हम तीन ही लोग हैं, भांजा, मम्मी और मैं। पापा गए हैं गांव, तो डेली बना रही थी अभी। तो अभी मैगी खाने का मन कर रहा है, ठंडा भी हो रहा है थोड़ा बहुत अंदर। तो अभी मैं बना रही हूँ मैगी। हिमांशु और मैं खाएंगे मैगी, मम्मी के लिए चाय बनाऊँगी अभी। तो उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको डेली अपनी जो मैंने बनाई थी, और मंदिर में थोड़ा सा बनाया है वो भी दिखाऊँगी मैं आपको। तो चलो ठीक। अभी मैं आई हूँ बाहर और यहाँ पे धूप चली गई है और हवा चल गई है यहाँ बहुत ज़्यादा। बहुत ठंडा भी हो रहा है यहाँ पे, अंदर भी ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊँ। मैगी वगैरह भी खा ली है हमने। तो अभी थोड़ी देर धूप में आई थी तो धूप चली गई है अब हमारे घर के सामने से। अब छत में जाने की मन तो हो रहा है पर नहीं जा रही हूँ मैं छत में, फिर वहाँ गाड़ी वगैरह आती है ना इसीलिए। तो अब शाम होने वाली है, अब ठंडा भी बढ़ने लग गया है यहाँ। अब सुबह शाम बहुत ठंडा हो रहा है क्योंकि यहाँ पाला भी पड़ता है ना बहुत ज़्यादा। जब यहाँ पाला पड़ेगा ना तब दिखाऊंगी आप लोगों को। पूरा वाइट होता है पूरे आगे के सामने के पहाड़ ना। अभी दिखाती हूँ मैं आपको आगे का सीन, वहाँ सारा वाइट वाइट हो जाता है पूरा, एकदम जैसे कि बर्फ गिरी रहती है सुबह, वैसा हो जाता है यहाँ। ये है सारा, और यहाँ सारा वाइट वाइट हो जाता है इधर से उधर, सारा पूरा ये पहाड़ वाइट हो जाता है। और नदी का पानी जो ये नीचे नदी बह रही है ना सामने से, ये यहाँ पे पानी में कंकड़ जम जाते हैं सुबह सुबह। और ये है जो मैंने डेली बनाई है, कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट करके बताना। ये रही मेरी बनाई हुई डेली। मुझे इतना अच्छा आता नहीं है पर मैंने कोशिश करी है कि अच्छी बने। तो एक ये है, और अब मैं बनाऊंगी क्या बोलते हैं, तो अब मैं मंदिर वाला स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं ये यहाँ पर अपने रूम के बाहर वाली डेली बनाना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि अब कम ही दिन बचे हैं दिवाली के भी, और फिर टाइम भी नहीं होता है ज़्यादा, और सफाई भी करनी है रूम की, उधर साइड रूम की। तो इसीलिए मैं फटाफट पहले डेलियाँ बना देती हूँ, फिर उसके बाद और काम में लगेंगे। तो अभी डेली बनाती हूँ मैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बॉर्डर डाल दिया है डेली में, अब ठंडा हो गया बहुत ज़्यादा, अब नहीं बना पाऊँगी मैं। अभी शाम के 5 बज रहे हैं, तो अभी दिखाती हूँ मैंने कैसा बॉर्डर बनाया है, बेल वाला बनाया है। अभी बीच का सोचूंगी अब बीच में क्या बनाऊं, तो दिखाती हूँ आपको कैसा लग रहा है, कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अभी तक बनाए नहीं है इससे पहले इतने अच्छे, तो आज पहली बार इतने अच्छे बन रहे हैं। अपने मायके में बनाती थी मैं पर इतने अच्छे नहीं बन पाते थे, यहाँ तो थोड़ा ठीक बहुत बन पा रहे हैं, तो दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा वो बॉर्डर, देख सकते हैं आप। अब बीच में इसकी बनाऊँगी कुछ। तो दोस्तों यहाँ पे हम चाय पी रहे थे और यहाँ पे एक मौसी आई है हमारी, उनसे मिलाती हूँ आपको। ये रही मौसी। हाय गाइज। और ये है मम्मी। हेलो हाय, कैसे हो? कहाँ रहते हो मौसी आप बताओ? हम नवोदय। नवोदय स्कूल है जो वहाँ पे रहते हैं, स्कूल के थोड़ा ऊपर रहते हैं। अच्छा, आज मैंने सोचा कि मम्मी से मिलके आती हूँ। अच्छा, बहुत दिन हो गए थे मम्मी से। मेरी वीडियो देखते हो?
आपकी वीडियो देखी कल भी देखी थी हम लोगों ने। अच्छा पर बहुत अच्छी बनी है पड़वा चौथ के दिन की तो बाकी बेस्ट है। अच्छा आज आई है मेरी नातनी होने के, जब नातनी हुई थी उसकी मिठाई खाने के लिए टाइम ही नहीं होता है मेरे पास। मिठाई भी खा रही, फूल भी खा रही, सब कुछ खा रही है देख लो मुझे चीनी पसंद नहीं है ना मिठाई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि सब अच्छे ही होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ, आज का दिन। तो आज क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाने वाली हूँ मैं, जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे उनका आंसर दूंगी मैं आज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कब्बू बिस्ट 03 का है। वो बोल रही हैं कि आपकी स्टडी कहाँ तक हुई है और आपने 12th तक आपकी आर्ट साइड थी या साइंस साइड? तो मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका है, एमकॉम भी मेरा कंप्लीट हो गया है। 10 तारीख के दिन मेरा रिज़ल्ट आया था और मेरी साइंस साइड थी इंटर तक, उसके बाद मैंने कॉमर्स ली। तो ये है मेरी पढ़ाई का सिस्टम। और सेकंड क्वेश्चन है, अब इसमें नाम तो दिख नहीं रहा है क्योंकि मैं मम्मी के फ़ोन से देख रही हूँ। तो आप अपने बालों की कभी भी कटिंग नहीं करते हो क्या दी? लव योर हेयर्स, उसमें उन्हें ये बोला है। तो अब ये किसका क्वेश्चन है वो मुझे नहीं पता, अभी इसमें नाम नहीं दिख रहा है इसीलिए। तो मैंने अपने बालों में कटिंग जब मैं स्कूल पढ़ती थी तब करी थी, आगे से लेज़र करी थी और फिर उसके बाद एक दो साल तक करी थी मैंने कटिंग, यू कट, वी कट और जो भी होते हैं स्टेप कटिंग वगैरह करे थे मैंने। फिर उसके बाद नहीं करे मैंने, फिर बराबर ही काटती हूँ मैं। शादी के बाद तो मैंने काटे ही नहीं है, मतलब बराबर ही करे हैं जब भी करे हैं। और कनू रावत का है तीसरा क्वेश्चन, वो बोल रही हैं दी आप अपने बालों की केयर कैसे करते हो? ये मम्मी बताएंगी कैसे करती हूँ। ऐसे झुतरा झुतरी के ये है इसकी बालों की केयर। ये मैं सुबह से धोए हैं, 3 बज गए हैं, अभी तक सुखाए नहीं है, ये है इसकी केयर। ये मैं बिल्कुल केयर नहीं करती हूँ अपने बालों की। आए तो हो भी कैसे गए, बहुत ही गंदे हो रहे हैं आजकल बाल। यहाँ पे हवा चल रही है ना, ठंडा हो रहा है, तभी मैंने ये टोपा भी डाला है। तो मैं केयर वेयर कुछ नहीं करती अपने बालों की, खुद ही लंबे हो जाते हैं और यहाँ आके तो बहुत ही पतले हो गए हैं। और पंत हिमाद्री ये बोल रही हैं आप कॉलेज करते हो, होम टूर कब दोगे? मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया है, होम टूर दिवाली के बाद दूंगी। अभी तो हमारे घर पे काम नहीं चल रहा है, तो तभी 2-3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आ रहे हैं। सब सफाई चल रही है और दीदी वगैरह बना रही हूँ इसीलिए। और हरीश तिवारी ये बोल रहे हैं बीकॉम कंप्लीट करने के बाद कौन सा जॉब करने का प्लान है? UK02 दुबई से। तो सर मेरा बीकॉम नहीं, एमकॉम भी कंप्लीट हो गया है, तो जॉब वॉब कुछ नहीं करनी है मैंने, बस यूट्यूब पे ही फोकस करना है अभी, तो इसी पे ध्यान है, नाचने गाने में बस जॉब वॉब नहीं करनी है कुछ तो इसीलिए। और ओए होए करके है किसी का नाम, इनका रियल नाम क्या है मुझे पता ही नहीं है। जब भी मैं क्वेश्चन आंसर देती हूँ तो यही नाम पढ़ती हूँ, प्लीज़ अपना नाम चेंज कर लो या फिर इसमें अपना नाम भी लिख देना आप। बन ड्रॉप कब करोगी? आपको पता नहीं क्या है, अब मैं क्या करूँ बन ड्रॉप से बताओ। अब ऐसे क्या हुआ बन ड्रॉप? चिवड़ा बनाओ कह रहे हैं ना। अच्छा हाँ, ये खुले हैं ना बाल, आपको खुले में भी अच्छे लगते हैं, आप आओ बोलते हो, ये देख लो अभी खुले बाल, ऐसे ही देख लो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक पंत, आपके पास टाइम कैमरा है क्या? पता नहीं, मैं समझी नहीं आपने क्या कहा। अभी यहाँ तो नहीं है मेरे पास कैमरा, मेरे मायके में है कैमरा, यहाँ नहीं है। अब लेंगे हम भी कभी कैमरा, सोच रहे हैं आगे को। अमित पवार आप कहाँ से हो? मैं उत्तराखंड चंपावत से हूँ और ऑफिशियल CRS99। आपकी खूबसूरती का राज क्या है? हम पहाड़ों में रहते हैं इसीलिए खूबसूरत होते हैं, यही है बस खूबसूरती का राज, ठंडा खा खा के। हाँ किरण जोशी आपकी लव मैरिज है या अरेंज? आपके हस्बैंड क्या जॉब करते हैं? अब आपने अच्छा, आप
नए नए जुड़े हो शायद मेरे ब्लॉग में, तभी आपने आगे के ब्लॉग नहीं देखे होंगे। एक बार आप सारे ब्लॉग देखना मेरे, आपको पता चल जाएगा मेरे हस्बैंड क्या करते हैं और लव मैरिज है अरेंज मैरिज सब पता चल जाएगा आपको। तो मेरे आगे ब्लॉग देखना आप। और एक क्वेश्चन है, नेहा जी आप बहुत सुंदर हो, आपका मायका रेगड़ू में है ना? थैंक यू। हाँ मेरा मायका रेगड़ू में है, वहाँ गांव में है, वहाँ मायका मेरा। बस अभी इतने ही क्वेश्चन हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियो देखते हो, ऐसे ही वीडियो देखते रहना और ऐसे ही सवाल पूछते रहना। अगर आपको मम्मी से भी कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, वो जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज भी बैठे थे बेचारी, आप लोगों ने कुछ पूछा ही नहीं है उनके लिए, तो उनसे भी पूछना। अगर नेक्स्ट व्लॉग में जरूर वो जवाब देंगी उन क्वेश्चन के आंसरों का, तो क्वेश्चनों के आंसर का मतलब जो भी है वो ज़रूर देंगी आपको। तो इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनानी है वो भी आप ज़रूर बताना, उस पे भी हम व्लॉग बनाएंगे। और एक क्वेश्चन और है, एक मिनट, योगिता धामी का है, वो बोल रही हैं गोल्ड कलेक्शन कब बनाओगे? जल्दी ही बनाऊंगी, अब दीपावली में ले आ रहे हैं, बना दूंगी। हाँ उस टाइम पे बनाऊंगी, तो ज़रूर उस टाइम पे बनाएंगे। तो ठीक है फिर, बाय।